दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एमपी पुलिस भर्ती 2020 की बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ में दोस्तों हम आपको बता दें अगर आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लेते हैं और शिक्षा 25 कोड का उपयोग करेंगे दोस्तों आपको 25% की छूट मिलेगी। दोस्तों परीक्षा ऐप की खासियत यह है कि एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल को दोस्तों यहां टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाता है। तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें और टेस्ट देके देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, अधिकतर लोगों का दोस्तों यही कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहा है कि एमपी पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन में देरी क्यों है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले उम्मीद ये थी कि जनवरी के फर्स्ट सप्ताह तक दोस्तों वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद थी और दोस्तों अब जनवरी का लास्ट सप्ताह चल रहा है, आज 26 जनवरी है और दोस्तों अभी तक एमपी पुलिस वैकेंसी नहीं आई है। तो सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में देरी क्यों है, लास्ट सप्ताह चल रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले ये निश्चित हुआ था कि एमपी पुलिस की जो भर्ती आएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा आएगी और जैसे पहले भर्ती होती थी उस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद हम आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ ने पीईबी के अधिकारियों की बैठक ली है और दोस्तों ये निश्चित हो रहा है कि अब आपका पीईबी के माध्यम से एमपी पुलिस की भर्ती कराई जाएगी और फरवरी के दोस्तों फर्स्ट सप्ताह तक आपका नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों हम आपको बता दें कि एमपी पुलिस के सिलेबस में कैसे आपको पढ़ना है, कहां से कितना पढ़ना है और दोस्तों आपके लिए कौन सी अच्छी किताब है, उन सब के लिए दोस्तों हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप देखें। हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों हमने अलग अलग आपके लिए बुक बताई है कौन से आपके लिए अच्छी है और दोस्तों उसमें सिलेबस की भी पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिल जाएगी। उस वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप परेशान ना हों, फरवरी के फर्स्ट सप्ताह तक एमपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और दोस्तों आप पढ़ाई में अपने आप ध्यान लगाइए। अब ये दोस्तों आप मान के चलिए कि आपके पास समय कम है, मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंदर दोस्तों आपका एमपी पुलिस का पेपर हो जाएगा। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब लगभग हम आपको बता दें कि 3 साल पूरे होने वाले हैं और एमपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 2017 में भर्ती आई थी तो उसका दोस्तों हम आपको बता दें कि मार्च अप्रैल के लगभग नोटिफिकेशन जारी हो गया था और दोस्तों आपका जुलाई से उसका पेपर चालू हो गया था। इसलिए दोस्तों लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्द दोस्तों एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहें, परेशान ना हों। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।